जो रॉक्स हैं वो आपस में उनमें क्रैक आने की वजह से जो आपस में वो टूट जाती हैं और अलग हो जाती हैं और जो अपनी जगह से हिल जाती हैं उसे हम कहते हैं फॉल्ट अब उनके हिलने की वजह क्या है और इनकी डिफरेंट टाइप्स कैसी हैं उनकी मूवमेंट्स कैसी हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है आगे फर्दर हम वो देखते हैं लेकिन फिलहाल जो डेफिनेशन में आपको बताया गया है फॉल्ट्स क्या होती हैं जो रॉक्स हैं उनमें जो क्रैक्स आते हैं जो ब्रेक डाउन होता है उसे हम कहते हैं फॉल्ट्स जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक जो रॉक था उसका ब्लॉक था लेकिन वो टूटने की वजह से उसमें क्रैक आने की वजह से वो दोनों आपस में अलग हो गए यानी टूट के अपनी जगह से हिल गए तो इसे हम कहते हैं फॉल्ट फॉल्ट अलाउ द ब्लॉक्स टू मूव इन रिलेशन टू ईच अदर और जो क्रैक आता है उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होती है ब्लॉक्स की वो एक दूसरे के रिलेशन में होती है जैसे यहाँ पे आप लोग देखो जो क्रैक आया उसकी वजह से जो ब्लॉक है एक ब्लॉक ऊपर मूव कर गया और एक ब्लॉक नीचे की तरफ तो इनके जो मूवमेंट्स हैं वो एक दूसरे के रिलेशन में शो करते हैं ये इफ देर इज़ अ रैपिड मूवमेंट इट कॉज एन अर्थ क्वेक और अगर एकदम मूवमेंट होती है रैपिड मूवमेंट उसी की वजह से जो हम जलजिले देखते हैं वो आते हैं द एरिया वेयर अ फॉल्ट फॉर्म्स इज कॉल्ड अ फॉल्ट जोन और वो जगह जहाँ पे ये फॉल्ट्स हैं जो क्रैक्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉल्ट जोन एंड द फ्रैक्चर आ करैक इन द फॉर्थ जोन इज कॉल्ड फॉल्ड लाइन और वो जगह जहाँ पर क्रैक्स आते हैं उस क्रैक को हम कहते हैं फॉल्ड लाइन द रेंज ऑफ अ फॉर्ड मे वेरी फ्राम अ फ्यू मिली मीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ये जो क्रैक्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं अब इनकी मूवमेंट्स हैं वो वर्टिकल भी होती हैं हॉर्जोंटल भी होती हैं और ये मूवमेंट्स क्यों होती हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं आगे हम फर्दर वो देखते हैं सो नाउ मूव फॉर्वर्ड इन सी द टाइप्स द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट इज बेस्ड ऑन हाउ द रॉक्स मूव इन रिलेशन विद ईच अदर इनकी जो टाइप्स हैं उनको हमने किस बेस पर डिवाइड किया है कि उनकी मूवमेंट्स एक दूसरे के रिलेशन में कैसी होती हैं सो इट हैज थ्री टाइप्स नंबर वन नॉर्मल नंबर टू रिवर्स एंड नंबर थ्री स्ट्राइक सिप वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखते हैं नंबर वन नॉर्मल फॉल्टिंग नॉर्मल फॉल्ट When the द is इज़ बींग apart, अ नॉर्मल फॉल्ट अकर्स इस डायग्राम में देखो नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या चीज़ होती है कि जब रॉक टूटने के बाद क्रैक आया उसने जो मूवमेंट शो की अपना टूटने के बाद वो क्या शो की डाउनवर्ड यानी वो नीचे की तरफ उसने मूव किया अब जो ब्लॉक मूव करता है उसे हम कहते हैं हैंगिंग वॉल और वो ब्लॉक जो अपनी जगह पे रहता है, टूटने के बाद भी उसे हम कहते हैं फुट वॉल तो नॉर्मल फॉल्टिंग में क्या होता है जो फोर्स की वजह से ब्लॉक्स और जो रॉक्स हैं वो टूटते हैं टूटने के बाद क्रैक आने के बाद वो कहाँ पे मूव करते हैं नीचे की तरफ इसको हम अलग से देखते हैं यहाँ पे एक रॉक था यानी क्रस्ट जो फोर्स थी उसकी वजह से जो रॉक में क्रैक आया जो रॉक था एक हिस्सा उसका नीचे की तरफ मूव किया और एक हिस्सा अपनी जगह पे रहा तो जो अपनी जगह पे रहा है उसे हमने फुटबॉल कह दिया जो मूव किया और नॉर्मल फॉल्टिंग में नीचे की तरफ मूवमेंट हुई है तो उसे हमने कह दिया है हैंगिंग वॉल और वो जगह जहाँ से जो रॉक है वो टूट के मूव किया यानी नीचे की तरफ यहाँ पे आया उसे हमने कह दिया फॉल्ट प्लेन आपको वो एरो नजर आ रहा होगा वो एरिया जहाँ से पहले ये इक्वल था ना बिल्कुल यहाँ पे कोई अप्स एंड डाउन नहीं थे तो यहाँ से जहाँ से मूव करके ये नीचे गया है उससे हमने कह दिया फॉल्ट प्लेन तो ये था नॉर्मल फॉल्ट अब हम देखते हैं रिवर्स फॉल्ट इसकी सेकेंड टाइप When the crust is being compressed, a reverse fault occurs. The hanging wall block moves over the footwall block, as shown in the diagram. Reverse fault पे क्या होता है? यहाँ पे आप लोग देखें, ये normal faulting के बिल्कुल opposite है. Normal में हमने देखा जो block है वो नीचे की तरफ, यानी downward movement show करता है. Reverse में क्या होता है? जो block है वो upward movement show करता है, यानी ऊपर की तरफ move करता है due to compression. इसको यहाँ हम detail में यहाँ से देखते हैं. कि जो पहले क्रस्ट था जो रॉक था वो बिल्कुल इक्वल था उसमें कंप्रेशन की वजह से मूवमेंट आई क्रैक आया तो क्रैक आने के बाद ब्लॉक ने क्या मूवमेंट शो की अपवर्ड यहाँ पे देखो जो ब्लॉक ऊपर मूव किया उसे हमने कह दिया हैंगिंग वॉल जो अपनी जगह पे रहा उसे हमने कह दिया फुट वॉल और जो एरिया जहाँ से ये ब्लॉक मूव करके ऊपर गया उसे हमने कह दिया फॉल्ट प्लेन तो ये रिवर्स फॉल्ट है जिसमें ब्लॉक की मूवमेंट कहाँ होती है अपवर्ड

यहाँ पे जो नॉर्मल में हमने देखा कि रॉक गया नीचे की तरफ रिवर्स में गया रॉक ऊपर की तरफ लेकिन जो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है वहाँ पे जो मूवमेंट है वो है बिल्कुल अपोजिट यानी इसलिए यानी अप्स एंड डाउन नहीं होते इसलिए यहाँ पे कोई फुट वॉल या हैंगिंग वॉल नहीं होती सिर्फ जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट है यहाँ पे आप लोग अलग से भी देख सकते हैं यहाँ पर जैसे रिवर्स में हमने देखा वो ऊपर की तरफ रॉक गया यहाँ पे गया बिल्कुल ऑपोजिट पहले इक्वल था लेकिन इसकी मूवमेंट हुई है एक दूसरे के ऑपोजिट अब ये जो ये जो टाइप्स हैं इनकी मूवमेंट्स हैं वो हम एक क्लिप के थ्रू देखते हैं जिसमें आपको मूवमेंट्स भी शो होंगी कि कैसे मूव करते हैं रॉक्स और उनमें क्रैक आने के बाद सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ फॉल्ट इसमें आपको विजिबल शो किया जाएगा कि जो मूवमेंट है रॉक्स की वो कैसे होती है नॉर्मल फॉल्ट में देखो जो रॉक है क्रैक आने के बाद नीचे की तरफ मूव किया है रिवर्स फॉल्ट में जो रॉक की मूवमेंट है क्रैक आने के बाद अपवर्ड हुई है यानी ऊपर की तरफ उसके बाद आ जाता है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जिसमें मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हुई है और एक और चीज़ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में कोई हैंगिंग और फुटफॉल नहीं होती क्यों क्योंकि जो रॉक्स हैं वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं करते अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आई होप इस क्लिप से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी इन टाइप्स की अब हम देखते हैं एक्टिव फॉल्ट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ पर पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में उसके अलावा नीचे आपको मैप दिया गया है जिसमें आपको शो किया गया अर्थक्वेक जोन पाकिस्तान में कहाँ कहाँ जल्सले आते हैं और वहाँ पे कितना नुकसान होता है उनमें एरियाज़ को वो लोकेशन कौन से एरियाज़ को कवर करती है यहाँ पे आपको कीस के थ्रू बताया गया है कलर्स में कि जो ग्रीन कलर है वहाँ पे जो एरियाज आते हैं वहाँ पर जो नुकसान होता है वो माइनर टू नो डैमेज जो ब्लू कलर है वहाँ पर माइनर टू मॉडरेट डैमेज यानी वहाँ पर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर नुकसान माइनर टू मॉडरेट होता है जो ऑरेंज कलर है वहाँ पर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मॉडरेट टू स्वीयर डैमेज और जो रेड कलर है वो शो करता है स्वीयर डैमेज को तो कलर्स के थ्रू आपको क्लासीफाई किया गया है मैप में कि ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर कितना नुकसान होता है जो अर्थक्वेगज है वहाँ पर पाए जाते हैं जलजले आते हैं और यह हम मैयर कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड ऑन विक्टर स्केल ये वो स्केल है जिसे हम यूज़ करके ये मयर करते हैं कि अर्थक्वेग कहाँ पर आया था उसका साइज़ क्या था उसकी डेंसिटी कितनी थी यह आपका एक कम्प्लीट टॉपिक है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसके बाद आपको बताया गया है पॉइंट्स ऑफ अर्थक्वेक यानी कहाँ कहाँ जल्जिले आते हैं और जो टाउन और सिटीज हैं उनको उन्होंने अलग कर दिया आपको यहाँ पे तो यही आपकी एक्टिविटी होगी आपने क्या करना है यहाँ पे जो आपको एरियाज बताए गए हैं आपने क्लासिफाई करना है कहाँ पे नुकसान ज्यादा होते हैं कहाँ पे नुकसान कम होता है उन एरियाज को कलर्स में आपको बताया गया आपने उनको अलग अलग करके मुझे गूगल क्लासरूम पे भेजना है और ये आपकी आज की एक्टिविटी होगी ओके सो डेट्स ऑल फॉर टुडे अल्लाह हाफिज टेक केयर